जयपुर के रामगंज में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी में अब तक 12 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। चिकित्सा विभाग शहर के चार दीवारी क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर घर घर स्क्रीनिंग का काम कर रहा है। शहर में अब तक करीब 9 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। अब तक 952 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 920 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। साथ ही 20 सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। साथ ही जयपुर जिले में अब तक 16,44,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। साथ ही बाहर से आने वालों की भी मॉनिटरिंग कर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके लिए जयपुर जिले में 3 CMHO लगाए गए हैं। जयपुर प्रथम के अंदर कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा रामगंज क्षेत्र के अंदर, परकोटे के सभी स्थानों के अंदर, इसके अतिरिक्त पूरे जयपुर जिले के अंदर कोरोना को रोकथाम हेतु सर्वे कार्य शुरू किया गया है। इसके तहत हम घर घर जाकर टीमें, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, ANM हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, अन्य आयुर्वेद की कर्मचारी भी इसमें लगे हुए हैं, हम घर घर जाकर एक एक आदमी स्क्रीन कर रहे हैं। स्क्रीन करके लोगों की कोई किसी खांसी, जुकाम, बुखार या अन्य कोई सिम्टम है, उन लोगों को पहचान कर रहे हैं और उनके इलाज के लिए, उनकी जाँच के लिए SMS रेफर कर रहे हैं और वहीं पर भी उनके इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे कोरोना के जो पेशेंट जो दो रामगंज में मिले हैं, उनके घर के आसपास स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट की RRT टीम, SMS की RRT टीम लगातार काम कर रही है। उस इलाके के अंदर सैनिटाइजर्स, मास्क और जो भी इक्विपमेंट्स हैं, सभी चीज़ें हम हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट को उपलब्ध करवा रहे हैं। पुलिस की सहायता से हम घर घर सर्वे करने में सफल हो रहे हैं। जयपुर में लगभग अब तक लगभग 9 लाख से ऊपर लोगों का सर्वे किया जा चुका है। जो हमारे पॉजिटिव आए हैं, उसके अंदर जो दो केस अभी रामगंज पॉजिटिव आए हैं, मोहम्मद अनीफ और मुबारक अली, उनके घर की स्क्रीनिंग पूरी की जा चुकी है। उनके क्षेत्र में लगातार स्क्रीनिंग काम चल रहा है और इस तरह से हम लोग इसको रोकथाम के पूरे प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो मेडिकल्स की टीम्स की हैं, स्क्रीनिंग लगातार जारी है। लगभग 16,44,000 लोगों की जो स्क्रीनिंग है वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। अभी तक जयपुर जिले में अभी तक टोटल जो पॉजिटिव केसेज हैं वो 13 आए हैं और इसके अलावा लगातार हमारी जो मेडिकल टीम्स हैं वो घर घर जा करके जो बचे हुए लोग हैं स्क्रीनिंग की जा रही है और क्वारंटाइन में जो है, होम क्वारंटाइन जो लोग हैं उनको भी हम डोर टू डोर हमारी टीम जाती है, एक एक को रोजाना चेक करती है कि वो घर में ही है, क्वारंटाइन किया हुआ है तो उसको यथास्थिति वो रूल्स रेगुलेशंस की पालना कर रहा है, कहीं बाहर तो आ जा नहीं रहा है, इसकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। घर के बाहर उसके हमने स्लिप भी लगा दी है कि भाई ये क्वारंटाइन है, स्टेट से स्टेट तक रहेगा। इसके अलावा एक और हमने अभी सभी हमारे उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो बाहर से जो लोग आए हैं, मजदूरों का पिछले 2-3 दिन से बाहर से अदर स्टेट से भी प्लान हुआ है, दूसरे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी काफी लोग आए हैं, तो उनका भी हमने सबका दोबारा से उनकी एक सर्वे करवाने हैं। सर्वे करवाने के पश्चात उनका जो लोग बाहर से आए हैं तो हमें उन सबका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए टीम CMHO को और ब्लॉक CMHO को